Hello friend, welcome to Gaiety's YouTube channel. So first of all, happy Holi to all of my viewers. So today I will start voltage regulator. So देखिए voltage regulator होता क्या है. First of all मैं यहाँ पे थोड़ा concept बताऊँगा, फिर ये सारे question है voltage regulator से. हर साल हर exam में एक नए question रहेगा voltage regulator से. Voltage regulator मतलब use of Zener diode. Zener diode को आप कैसे use करते हैं उसके बारे में. Actually मैं diode के बारे में already मैं बहुत सारा प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ. सो ये मेरा जेनर के ऊपर फर्स्ट वीडियो है, ठीक है. तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस जाके वीडियो देखें फिर यहाँ आए, नहीं, आप यहाँ से ही कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरा सारा वीडियो ना इंडिविजुअल वीडियो है, उसमें दूसरे का कहीं से लिंक नहीं है. क्योंकि सब वीडियो में मैं ट्रिक ही बताया हूँ और कैसे एग्ज़ाम में सक्सेस करना है वही बताया हूँ. तो देखिए, जब मैं ISRO का इंटरव्यू फेस कर रहा था तो ये मुझसे पूछा गया था वोल्टेज रेगुलेटर्स का एप्लीकेशन बताओ. तो देखिए, मैं आप लोगों को ISRO का फिर इंटरव्यू होने वाला है, तो इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि क्या होता है, कहाँ पे यूज होता है. मेनली यूज़ तो हर जगह आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का जहाँ पे लग रहा है, लेकिन मेन यूज क्या है, मेन फंक्शनैलिटी क्या है, कहाँ पे इस किसके लिए ये बनाया गया है, तो वो है हमारा AC to DC कन्वर्टर के लिए. ओके, AC जो भी है हमारा उसको DC कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए, वहाँ पे हम लोग मेनली वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं और वहाँ पे ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 230 वोल्ट AC वोल्टेज आया, ठीक है, उसको स्टेप डाउन किया ट्रांसफार्मर से. ट्रांसफार्मर से 15 वोल्ट आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिकल वाले का. उसके बाद क्या हुआ, जब 15 वोल्ट यहाँ आया तो हम लोग वहाँ से फुल ब्रिज, ये 15 वोल्ट AC आएगा साइनसोडल. ओके, तो 15 वोल्ट AC आया, तो इसको जब फुल ब्रिज रेक्टिफायर से पास करेंगे तो हम लोगों का दो चीज़ होता है, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव. हाफ वेव में क्या होता है ना, हाफ वेव आता है. ओके, वहाँ पे एक सिंगल डायोड यूज किया जाता है, लेकिन फुल ब्रिज रेक्टिफायर में फुल ब्रिज रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में उसी को कवर करूँगा, वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला है उसको भी डिराइव करूँगा. लेकिन फॉर टाइम बिंग आप लोग ये समझिए कि जब भी जेनर ये होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो हाफ पल्सेटिंग, जैसे ये साइन वेव है, इसको हाफ वेव सिंगल डायोड से पास करेंगे तो ये हमारा हाफ वेव देगा. ओके, उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, उसका RMS वैल्यू क्या होगा, वो सब मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन उसका अभी ज़रूरत नहीं है. सो बस इसका कंसेप्ट ही मैं बता रहा हूँ, जब भी फुल वेव रेक्टिफायर होगा या ब्रिज रेक्टिफायर होगा तो हमारा फुल, ये जो भी साइन वेव आएगा ना, ये फुल आएगा, निगेटिव टर्म नहीं आएगा. तो देखिए, यहाँ से फुल वेव रेक्टिफायर से पास किया तो ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव साइन वेव. ओके, नाउ इसको अब मैं क्या किया, मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ क्लैंपिंग सर्किट. क्लैंपिंग मतलब क्या होता है, कैपेसिटर से हम लोग आउटपुट लेते, कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वहाँ से हम लोग बोलते हैं डायोड विथ कैपेसिटर क्लैंपिंग. डायोड विथ रेसिस्टर क्या होता है, क्लिपर. क्लिपर मतलब क्या हुआ, जैसे आप साइन वेव दिए तो ये क्या होता है ना, क्लिप कर देता है, जैसे कि ये यहाँ से गया, ये क्लिप हो गया, फिर यहाँ से फॉलो किया, राइट, ये हमारा क्लिपर हो जाएगा. क्लैंपर क्या होता है, क्लैंपिंग मतलब माउंटेन, आप चढ़ रहे हैं, ऐसे याद रखिए. कैपेसिटर जब भी आएगा तो हम लोग क्लैंपिंग करना होगा, मीन्स चढ़ना होगा, या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे. ओके, तो देखिए ये ऐसा जाएगा करंट, इसका मतलब ये क्या है, पीक वैल्यू डिटेक्टर है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. यही डायोड ऐसा रहता तो ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू डिटेक्टर होता है. ओके, तो मिनिमम वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को DC में बनाना है. DC का वेव क्या होता है, ऐसा, राइट, ऐसा हम लोगों को बनाना है. तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पीक वैल्यू को लेंगे, पीक वैल्यू को. ओके, तो यहाँ से पास करेंगे मैक्सिमम वैल्यू डिटेक्टर, तो ये हम लोग का क्या दे देगा, ये पीक वैल्यू दे देगा, पीक वैल्यू पे ये कॉन्स्टेंट रहेगा. अब देखिए, ये पीक वैल्यू हमारे, लेकिन ये तो एग्जैक्ट हम लोगों का DC सिग्नल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पीक आ गया फिर रिपल्स आ जाएंगे. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर का यूज करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. यहाँ पे क्या होता है ना, जेनर डायोड किस में करता है, ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है, ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन है. ओके, ये हमारा ब्रेकडाउन रीजन है. तो देखिए, जब भी या ये तो ऑफ होगा, जेनर डायोड का कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये जेनर डायोड या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा, दो ही काम कर सकता है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता.
गेट गेट वाले क्वेश्चन भी बनाए होंगे तो यही दो कंसेप्ट करेंगे, या तो ऑफ करके देंगे या तो ऑन करेंगे। हम लोगों को जज करना होगा कि वो ऑफ होगा कि ऑन होगा। अब देखिए ये ऑफ होगा, लेट अस सपोज ये जेनर डायोड ऑफ है तो ये ओपन सोर्स की तरह काम करेगा। कब? जब हमारा क्या होगा, ये ऑफ कब होगा, ये कंडीशन बोलिए, ओपन सर्किट का काम करेगा जब ये ऑफ होगा, जब भी इन, यहां पे भी इन, ये मान लीजिए भी इन प्लस माइनस, ओके भी इन ग्रेटर देन भीजेड, भीजेड आपका ज्यादा हो गया, यहां का वोल्टेज ज्यादा हो गया, ये वोल्टेज यहां का जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा है इसके इनपुट से, तो करंट तो पास करेगा नहीं, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करंट जाने लगेगा, ओके तो ये फिर ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा, ब्रेकडाउन रीजन में नहीं होगा तो ये ओपन सोर्स की तरह काम करेगा। लेकिन जब भी इन, यहाँ का वोल्टेज निकालिएगा इसको ओपन करके, भी इन ग्रेटर देन भी जेड, भी इन यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो यहाँ से करंट पास करेगा, ओके करंट पास करेगा इसका मतलब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ओके तो ये हमारा जेनरल कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी इन 15 वोल्ट मैं दे रहा हूँ, ये 15 वोल्ट आ रहा है, ओके तो यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा, 15 वोल्ट आएगा, ओके इसको ओपन कर दिया, मैं जब भी चेक करना होगा जेनरल डायोड को यहाँ से हटा दिया, रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे तो ओपन सर्किट आ रहा है ना, तो यहाँ पे तो 15 वोल्ट होगा, ओके यहाँ पे 15 वोल्ट होगा इसका मतलब कि, और यहाँ पे जेनर का 10 वोल्ट है तो भी इन जो आ रहा है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा है इसका मतलब कि भी इन जो आ रहा है वो ज़्यादा है इसका मतलब ये ऑन होगा, डायोड जेनर डायोड ऑन होगा, ऑन मतलब ये वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस हो जाएगा, तो ये वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस हो गया था जेनर को हटा के वोल्टेज, तो यहाँ से वोल्टेज हम लोगों का क्या हो गया, 10 वोल्ट आ गया, कॉन्स्टेंट वोल्टेज सोर्स आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी डीसी एसी सिग्नल आ रहा था उसको हम लोगों ने डीसी प्योर डीसी हम लोग यहाँ पे बना दिया, और जो डीसी बनाया उसके लिए हम लोग क्या यूज किए, मेनली वोल्टेज रेगुलेटर। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेटर का ये ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, जो कि हम लोग एसी सिग्नल को लास्ट में ये डीसी में बदल देता है। तो देखिए उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, गेट में ये नहीं पूछा जाएगा या फिर कोई भी आईएएस एग्जाम में ये इसका ब्रीफ बताओ, डिस्क्रिप्टिव, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लिखो, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा उससे हम लोगों को मतलब है, पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। अब देखिए इसमें क्या बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है, कभी आई जेड मीन पूछ देता है, मिनिमम निकालो, आई जेड मैक्सिमम निकालो, या फिर आई एल मैक्सिमम निकालो, या फिर आई एल मिनिमम निकालो, या फिर आर एल मैक्सिमम निकालो, या फिर आर एल मिनिमम निकालो, या फिर आर मैक्स निकालो, या फिर आर मिन निकालो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर तरह का क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा पूरे हिस्ट्री में जो भी सेट्रेसमिथ मैं जहाँ तक मैं सेट्रेसमिथ देखा हूँ 8 मॉड्यूल से ज़्यादा, इस 8 टाइप से ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं है, और गेट वाले भी देंगे तो आपको 8 मॉड्यूल के अंदर ही देंगे, और 8 मॉड्यूल के लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस क्वेश्चन देख के बनाना है, वैसा मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं, तब तक जिनको आता है वो लोग ये सारे क्वेश्चन को सोल्व करें एक बार, तब तक मैं इसको हटाता हूँ। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स का मेरे पास फ़ोन भी आ रहा था कि सर कुछ गाइडलाइन दीजिए कि क्या करना है, क्या करना है इन द सेंस, अगर आप लोगों को एमटेक मिल रहा है सीसीएमटी भर दीजिएगा, सीसीएमटी अप्लाई कर दीजिएगा, एमटेक अगर आप कोई भी डिपार्टमेंट के हैं, ईसी ट्रिपल ई आई एन, सबको अप्लाई फर्स्ट प्रीफरेंस दीजिएगा भीएलएसआई, क्यों, देखिए जो लोग पैशन से अपना एमटेक कर रहे हैं और पीएचडी करना चाहते हैं वो टॉप 10 में रैंक आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, उनसे मेरा उतना रिलेशन नहीं है, जो लोग पेट के लिए हाँ कुछ रोजी रोजगार लग जाए उसके लिए पढ़ रहे हैं या फिर उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी देखिए रियलिटी प्रैक्टिकल में जब आइएगा ना तो आपको पैसा से ही मतलब रहेगा, कहाँ पे पैसा मिल रहा है, एवरेज स्टूडेंट या फिर जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट है, हायर क्लास के हैं वो तो ठीक है, वो उनका पास पैसा भी है, पैसन भी है, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, उनसे हमारा रिलेशन नहीं है, तो मेन आपको पैसा होगा कि हाँ जॉब मिल जाए, तो बीटेक कर लिए सो जॉब तो चाहिए ही, तो आप लोग क्या कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, कोई भी एनआईटी में सीसीएमटी में अप्लाई कीजिएगा, आपको एनआईटी मिलेगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस भीएलएसआई दीजिएगा, फिर कंट्रोल दीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का 100% प्लेसमेंट हो जाएगा फर्स्ट ईयर में ही। फर्स्ट ईयर में ही प्लेसमेंट इन द सेंस वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे कॉलेज में और वो आप लोगों को ले लेंगे फर्स्ट ईयर में ही। फर्स्ट ईयर हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जो कि अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो बेंगलोर, हैदराबाद, इस सारे लोकेशन में आप लोगों को इंटर्नशिप दे देंगे फर्स्ट ईयर में। तो सेकेंड ईयर फुल्ली आपको वर्क करना पड़ेगा कंपनी के लिए, एंड बीच बीच में आके आपको सेमेस्टर एग्जाम भी देने रहेंगे। जब भी उस समय आपका रिलेशन कॉलेज से खत्म हो जाएगा, जो आपका स्टाइपेंड मिलता है 12,400 रुपया वो नहीं मिलेगा, आपको कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करेगी। तो कंपनी जो मिनिमम स्पॉन्सर करेगी 18,000, ओके, पर मंथ। और मैक्सिमम आपका जब एम टेक कम्प्लीट हो जाएगा, एम डॉट टेक, एम टेक कम्प्लीट हो जाएगा तो आप उसको रेगुलाइज कर लेगा, आपका वहाँ पे परमानेंट हो जाएगा उसी कंपनी में। तो देखिए वहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर है कि वहाँ पे आप उस बड़े कंपनी में आप स्ट्रगल करके आगे तक पहुँच सकते हैं। सो मेरा सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग कहीं ना कहीं एम टेक में चले। ड्रॉप देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ड्रॉप देने से कोई फ़ायदा इन सेंस इन द सेंस नहीं है कि देख रहे हैं आप भी गवर्नमेंट जॉब का जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो रहा है। सक्सेस रेट वहाँ पे 10%, अराउंड 10-20% है गवर्नमेंट जॉब का। और जो भी पीएससी आ रहे हैं वो तो या तो प्राइवेट होने के चक्कर में लगे हैं या फिर वैकेंसी ही नहीं निकाल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना लाइफ को स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम लोग उससे आगे देखेंगे और फर्स्ट जॉब देखेंगे क्यों क्या लेना है। क्योंकि देखिए अगर आप खुद से डिसीजन ले रहे हैं, आदमी का फेल्योर होने का दो ही कारण होता है, फेल्योर मैं बता रहा हूँ, फेल्योर फेल्योर का दो ही कारण होता है। पहला कारण जैसे मैं सक्सेस का बताया था, दो कारण है सक्सेस का, दो कारण है, या तो आप मेहनत करें या आपका फैकल्टी मेहनत करें, दोनों मेहनत करके आपको कंटेंट दे और आप वही करें जो एग्जाम में आता है, क्योंकि वही रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से सारे लोग जा रहे हैं। दुनिया क्या है ना, 1,000 साल से चल रही है, इसी रास्ते से सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, इसी रास्ते से सारे लोग जा रहे हैं, 1,000 से चल रही है। आप बस कितने साल के लिए आए हैं, 70-60 ईयर, 70-80 साल, मैक्सिमम 60 साल के लिए है। तो देखिए आपको वो पाथ फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको सक्सेस लेना है। तो अगर आप खुद का डिसीजन लेंगे और फिर अपना पाथ करेंगे, तो आपको कुछ लॉन्ग टर्म जाने के बाद आपको एक्सपेरिमेंट होगा, मिलेगा कि नहीं मैं जो डिसीजन यहाँ पे लिया था वो गलत लिया था और उसी के कारण मेरा ये हाल है। तब तक आपका एज भी खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ मैं एक चीज़ याद रखता हूँ जो कि चाणक्य बोले हैं, कौटिल्य चाणक्य, जो अर्थशास्त्र के जनक बोले जाते हैं, ओके, उनका मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। उन्होंने क्या बोला है, दूसरों की गलतियों से अगर जो लोग दूसरे की गलतियों से अपने को सुधारना चाहिए, अगर खुद की गलती से सुधारेंगे ना तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। दूसरे की गलती है उससे आप सुधारिए। जो लोग सक्सेस ले लिए हैं, जिनका सक्सेस हो गया है, उनके गलती देखिए कि वो कहाँ पे गलत किए थे, उनसे अपने आप को रेक्टिफाई कीजिए, तब आपका प्योरिटी लेवल यहाँ पे वो पहुँचेगा और आपको सक्सेस मिलेगा। अगर खुद से एक्सपेरिमेंट करने गए तो आपका एज भी खत्म हो गया, पीएसयू का 27 साल है, आप सोचें कि नहीं मैं खुद पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं ड्रॉप दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर कुछ दिन बाद जाके आपको पता चला नहीं मैं फिर से एमटेक में ही जा रहा हूँ। तो इसमें इस समय क्या हो गया ना कि आप खुद का डिसीजन लिए और फिर यहाँ पे फेल्यूर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, खुद की डिसीजन मत ले, और जो भी सक्सेसफुल आदमी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्यूवर्स का फ़ोन भी आया था कि सर मैं क्या करूँ, अभी मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट है जो एक सक्सेस लेवल पे पहुँच चुके हैं, जो कि पीएसयू या फिर रेलवेज में वर्क कर रहे हैं। उसका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर क्वायरी भी अपने जो भी है क्वायरी कि हाँ मैं सर क्या करूँ, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं इसका कोई। चलिए अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे क्या था हम लोगों का डायोड, देखिए जेनर डायोड का क्या फंक्शनैलिटी है ना, जेनर डायोड कोई भी डायोड, जेनर रहे या नॉर्मल डायोड रहे, या तो ये ऑन होगा या तो ये ऑफ होगा, राइट। जेनर रहे या कुछ भी रहे, ये भी ऑन होता है ये भी ऑफ होता है। तो इसके लिए क्या होता है हम लोगों का, ये हम लोग क्या बोलते हैं, पी और एन बोलते हैं। जब ये ऑन होगा, जब वी पी माइनस वी एन ग्रेटर देन वी पी माइनस वी एन ग्रेटर देन क्या होगा, वी पी
वीपी माइनस वी एन, ये ऑन कब होगा? वीपी माइनस वी एन जब ग्रेटर देन होगा वी ऑन से, ओके। ये ऑफ कब होगा? जब वीपी माइनस वी एन लेस देन वी ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो ये क्या होगा? वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस करेगा, वी ऑन की तरह रिप्लेस करेगा। निगेटिव बड़ा डंडा, देखिए ये क्या है ना, ये बड़ा डंडा, ये छोटा डंडा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, P मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। जब ये ऑफ हो गया तो ये ओपन सोर्स की तरह रिप्लेस हो गया। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। वी इन, देखिए वी इन यहाँ का, इसको निकालने के लिए इसको रिप्लेस कर देंगे, फिर यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे। वी इन मतलब ये, वी इन लेस देन तो ये ऑफ होगा, ऑफ होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह रिप्लेस करेगा, मतलब ये जेनर हमारा ब्रेकडाउन रीजन में नहीं है, ठीक है। ब्रेकडाउन रीजन में जब भी होगा तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा, राइट। तो देखिए अगर इस ब्रेकडाउन रीजन में है तो ये है, ठीक है। दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे होता है नी करेंट, आईजेड। आईजेड मतलब आईजेड, नी करेंट जो होता है ना वो मिनिमम करेंट होता है जेनर के अंदर जो पड़ रहा है, ये आईजेड नी करेंट है, ओके। जब भी नी करेंट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे जीरो वोल्ट, जीरो एम्पियर मानेंगे, ओके। अगर दे रखा है तो ओके, नहीं दिया है तो जीरो एम्पियर। आईजेड मैक्स, आईजेड मैक्स क्वेश्चन में दे रखा होगा या फिर निकालना पड़ेगा। अब देखिए बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज ओम्स लॉ यूज करेंगे। यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में, तो ये वीजेड होगा, ये वोल्टेज सोर्स की तरह रिप्लेस होगा। तो देखिए वी इन माइनस वीजेड डिवाइड बाई, वी इन माइनस वीजेड डिवाइड बाई आर इजकल टू आई, ये करंट को निकालना है तो ये करेंगे ना, ठीक है। सो देखिए अब क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, और क्लियरिटी होगा, और क्वेश्चन में मैं बस ट्रिक बताऊंगा और कुछ नहीं, ये सब कुछ काम का नहीं है आप लोगों के। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर को रट के चले जाइए, गेट कुछ है नहीं, प्रीवियस ईयर को रट के चले जाइए, इंक्लूडिंग 5 मार्क्स क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन। पहले जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता ना, उसमें भी अगर आपको क्लैरिटी है तो आप अंडर 100 आ सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ, आई एल मिनिमम एंड आई एल मैक्सिमम पूछा गया है, ओके। क्वेश्चन में लिख लीजिए पहले जो दिया हुआ है, आई एल मिनिमम आई एल मैक्सिमम, ओके। एंड एक चीज और मैं बता दूँ, क्वेश्चन को जब अगर आप गलत कर रहे हैं, आपका रैंक नहीं आ रहा है, इसका एक ही मतलब है, एक ही रीजन है, आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ के इज का मतलब क्या होगा, ऑफ का मतलब क्या होगा, एम का मतलब, इंक्लूडिंग सारे क्वेश्चन को पढ़िए, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझ के वहीं पे 70% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, 70%। आज का रेशियो जो है ना, अभी के डेट में नहीं सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपका इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश जाके सीखिए, ठीक है ना, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन दिया हम आप खुद से समझ लिए कि ये पूछा गया है, वही जाके निकाल दिए, बाद में देखा कि अरे ये तो ये पूछा था मैं ये निकाल दिया, ये तो मिली एम्पियर में पूछा था मैं तो एम्पियर में लिख दिया, इसका मतलब कि आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, आपका इंग्लिश वीक है, बाकी टेक्निकल में कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें आई एल मिनिमम आई एल मैक्सिमम देखिए पूछा गया, यहाँ 100 वोल्ट है, राइट, यहाँ आर एल है, यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस वीजेड 60 वोल्ट। आई एल मिनिमम आई एल मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम का अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से करंट आई जाएगा, यहाँ से आई एल जाएगा, यहाँ से आई जेड जाएगा। मैं क्या करूँ, I इजकल टू आई एल प्लस आई जेड लिख सकता हूँ, एनी डाउट, नो डाउट। अब क्वेश्चन में आई एल मिनिमम पूछा गया है, राइट, आई एल मिनिमम पूछा गया है, ये मिनिमम है, ओके। एंड I देखिए I कितना होगा हम लोगों का, 100 माइनस यहाँ पे 60 वोल्ट आ गया, 100 माइनस 60 बाई 5 के मतलब 40 बाई 5 के मतलब 40/5 किया 8 मिलियम, ये हमारा 8 मिलियम आ गया इजकल टू। अब देखिए 8 मिलियम तो हमारा कांस्टेंट है, आई एल मिनिमम लिखा गया है, तो आई जेड यहां पे हमको कांस्टेंट चाहिए, तो ये मिनिमम है, तो आई एल को आई जेड को क्या लिखिएगा, देखिए एक
घट रहा है, ये घट रहा है तो एक को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो कांस्टेंट आएगा ना। बात ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेट कंसंट्रेट हेयर। आई एल मिनिमम, ये बोल रहा है मिनिमम हो रहा है, तो आई जेड को हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा, तभी तो ये इसका कंपनसेट करेगा, तभी जाके मेरा एट कांस्टेंट होगा ना। तो आई एल मिनिमम हुआ तो आई जेड मैक्सिमम होगा, राइट। ये बाद में हम लोग लिखेंगे आई जेड क्या होगा। अब हम लोग आ गया, इक्वेशन बन गया, ठीक है, यही हमको समझाना था बस, बाकी सब में यही यही कंसेप्ट मैं लिखाऊंगा कि ये कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहीं पे की पॉइंट है, यही लोग नहीं समझ पाता, बाकी सब कुछ समझ आता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। आई एल मिनिमम, अब देखिए आई जेड मैक्सिमम कुछ दिया है, नहीं नहीं दिया है, ठीक है। पी जेड मैक्सिमम दे रखा है, पी जेड मैक्सिमम क्या है, 240 मिली वाट। पी जेड इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम है, वी जेड इंटू आई जेड, ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, राइट, ये मैक्सिमम है, ये आई जेड, वी जेड तो कांस्टेंट है, रेगुलेटर मतलब कांस्टेंट, ये मैं बता चुका हूँ, ये 60 है, ये 60 है, ये कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम है, तो आई जेड को क्या होना पड़ेगा, ये भी मैक्सिमम है ना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम, ये बढ़ रहा है, ये मान लीजिए ये बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसको भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी तो आएगा, ओके। तो देखिए आई जेड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ओके। तो वी जेड क्या है, 60, ओके, तो ये डिवाइड बाई 60 हो जाएगा, ये 0 से 0, आई जेड मैक्स क्या हो गया, 4 मिली एम्पियर, अब देखिए आई जेड मैक्स आ गया हमको 4, तो आई एल मिनिमम क्या हो जाएगा, -4 कर दीजिए यहाँ पे, आई एल मिनिमम। अब देखिए 8 मिलियम माइनस 4 मिलियम इजकल टू आई एल मिनिमम, तो आई एल मिनिमम 4 मिलियम आ गया, 4 मिलियम आ गया। अब देखिए IL मैक्सिमम निकालना है, IL मैक्सिमम निकालना है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, ये लिख दीजिए 8 मिलियम, ये कांस्टेंट है। IL मिनिमम, अब देखिए इसको फिर से मिटा दीजिए। अब देखिए हमको क्या निकालना है, IL मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये मैक्स मैं लिखा, तो आई जेड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, तभी तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, एक बढ़ रहा है, एक घटेगा, तभी तो बैलेंस होगा ना, ये कांस्टेंट करना है इसको, तो एक बढ़ रहा है तो इसको घटाना पड़ेगा, ओके। तो मिनिमम आई एल मैक्स, आई एल मैक्स, आई एल मिनिमम हो गया ना, आई एल मैक्स निकालना है, आई जेड मिनिमम, आई जेड मिनिमम दे रखा होगा, देखिए नी करेंट, नी करेंट मीन्स नहीं दे रखा होता तो हम लोग 0 लेते, लेकिन दे रखा है तो 2 मिली एम्पियर, तो आई एल मैक्स प्लस 2 मिली एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 मिली एम्पियर इजकल टू आई एल मैक्स, एंड 4 मिली एम्पियर इजकल टू आई एल मिनिमम, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। बस देखना है किसको कौन कांस्टेंट है, कौन मैक्सिमम करने पे हम लोगों को कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, बस यही देखना है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा इसी तरह, इसी कॉन्सेप्ट पे, यही एक ट्रिक है, बाकी और कुछ नहीं ट्रिक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं, या फिर ये क्वेश्चन को कीजिए, फाइंड आर मिनिमम सो डैट वी आउट डज नॉट फॉल 6 वोल्ट, ठीक है, आर मिनिमम निकालना है, ओके। तो देखिए सो डैट वी नॉट, ये 6 है, ये वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट ये दे रखा है, ये 10 है और 6 है, तो देखिए
भी हमारा क्या है, आई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है, ये आर निकालना है। तो इक्वेशन लिखिए पहले, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 10 माइनस 6, ये करंट आई लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 बाई 50 लिख सकता हूँ। और आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक जाएगा आई, आई जेड और आई एल, ओके ठीक है। तो देखिए, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई एल प्लस आई जेड, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 बाई 50, 2 बाई 25, 4 बाई 50 क्या होगा, 2 बाई 25 इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड। अभी मैक्सिमम मिनिमम मत यूज कीजिए, कहाँ पे क्या करना है। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा है, फाइंड आर मिनिमम निकालना है, आर मिनिमम, आर मिनिमम, आर मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो देखिए, आर मिनिमम वी जेड इजकल टू आई वी जेड, ये वोल्टेज इजकल, ये वोल्टेज यहाँ आएगा ना, वी जेड इजकल टू आई एल आर एल लिख सकते हैं, यही वोल्टेज है ना 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है, 6 इजकल टू आई एल आर एल। अब देखिए, आर मिनिमम निकालना है, राइट, अगर हम आर, यही है आर इजकल टू आर एल है, आर को आर एल लिख दीजिए, ठीक है, ओके, आर मिनिमम, ये मिनिमम निकालना है, तो आई जेड कभी भी लिखेंगे तो मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा ना, ध्यान रखिए ये बढ़ रहा है तो इसको हम लोगों को कम करना होगा, तभी तो 6 कांस्टेंट होगा। तो मैक्स नहीं, सॉरी, ये मिनिमम निकालना है ना, मिनिमम, मिनिमम, ये मिनिमम है तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, मैक्सिमम रखना पड़ेगा ऑलवेज, तभी जाके ये 6 वोल्ट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आई एल मैक्स, आई एल यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, आई एल मैक्स, तो ये कांस्टेंट है, आई एल मैक्स है, तो आई जेड क्या होगा, मीन हो जाएगा, तभी तो 2/25 का कांस्टेंट होगा, हो गया खत्म। आर मिनिमम क्या हो जाएगा हम लोगों का, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग देख क्या करेंगे, 2/25 इजकल टू आई एल मैक्स, आई जेड मिनिमम दे रखा होगा, देखिए आई जेड, सो डेट डन और फॉल, आई जेड मिनिमम कितना दे रखा है इसका है, आई जेड मिनिमम 0.5 मिलियम, मिलियम, ओके, प्लस आई एल मैक्स, ओके, तो आई एल मैक्स क्या हो जाएगा, 2/25 माइनस 0.5 मिलियन, ये माइनस कर लीजिए, ओके। अब हमको आर निकालना है, तो आर तो हम निकाल सकते हैं, भी इजकल टू, भी जेड इजकल टू आई एल मैक्स इंटू आर एल, आर एल आर मीन। अब देखिए, आई जेड मैक्स पता है हम लोगों को, तो 6 डिवाइड बाई 2/25 माइनस 0.5 मिलियन इजकल टू आर एल मिनिमम, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों को एक से बढ़ के एक पे जाना पड़ेगा, कहाँ कांस्टेंट है वो खुद से हमको माइंड लगाना पड़ेगा, किसको बढ़ाएंगे किसको घटाएंगे उसी से होगा, ठीक है। ये क्या है,